अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं उसको अल्लाह पाक शिफा दे। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो हमारी सुबह की रूटीन हो गया शुरू। तो कल के हम पहुँच गए अपने घर में, और अपने घर में पकाएंगे और अपने घर में खाएंगे। तो अभी जो है देखते हैं आपने घर की कंडीशन कैसी बनी पड़ी है, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करें। जो है हाथ मुंह धो के आ गया। मेहरान कहाँ जा रहे हो? दूध लेने। साइकिल पे जाओगे? हाँ जी। चलो निकालो, इधर मेरी तरफ देखें। वो खुला दूध मिले तो वो ले आना, वो नहीं मिला तो फिर डब्बे वाला ले आना। वो ईंट उठा के यहाँ रख देना, ये वाली इधर अंदर। यहाँ पर है मेहरान की साइकिल, और यहाँ रहा है हमारा चूल्हा। तो ये पानी वाली कैन रख देते हैं इस साइड पे। ये रहे हमारे बर्तन वगैरह, जब हम गए थे इसको ना धो के साफ करके रख के गए। तो ऊपर से यहाँ से ये सब सुराख वगैरह है ना, यहाँ से बारिश आई। ये देखे भीगा हुआ है अभी भी कमरा, तो प्लास्टर नहीं हुआ ना, तो यहाँ से बारिश आई तो नीचे गिरी। यहाँ पर बर्तन सब पड़े थे, सब गंदे हुए पड़े हैं। अभी इसको धोते हैं, धो के अच्छी तरह से साफ करके तो फिर जो है ना चाय बनाएंगे। एहसान क्या कर रहे हो? ये क्या है, बोतलें? एहसान बोतलें उठा रहा है, इसे रख दो। ये सब जो है ना छत के नजदीक सब गीली पड़ी है, इसके नजदीक और ना बारिश टपकी है दीवार के नजदीक। वो क्या कहते हैं बनोड़े जो बने होते हैं ना, उसके नजदीक नजदीक पानी गिरा है। और बाकी छत जो है वो सब न्यू पड़ी है, ये देख सकते हैं, इसके अंदर कोई पानी शानी नहीं है। इस जगह पे जो है हमारा चूल्हा पड़ा है, ये देखें हमारे चूल्हे की लुक चेक करें। सारी मट्टी मट्टी, सब पानी के छींटे। ये है सिलेंडर, इसके ऊपर भी बारिश आ गई। तो अभी इसकी सफाई करते हैं, तो फिर बनाते हैं चाय। एहसान आपको फोन आ गया, फोन आ गया। हेलो, किसका फोन आया? किसका? अभी चलते हैं अपने दूसरे कमरे की तरफ। ये देखें, ये जो है मेरा फ्रिज वाला कमरा है। तो यहाँ पर जो है ना फ्रिज पड़ी थी दीवार के नजदीक, तो बच गई। शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ पर जो बारिश नहीं गिरी, इस जगह से गिरी थी तो फ्रिज थोड़ी दूर थी, इसके ऊपर पानी नहीं आया, ये महफूज रही है। और जो है आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी साइड है फ्रिज की, यहाँ पर भी नहीं है, इस जगह से गिरी थी नीचे। और यहाँ तो कुछ नहीं, वहां से लेकर बाकी जो है सब भीगी पड़ी है, बर्तन वगैरह भी गंदे हुए पड़े हैं। यहाँ पर देख रहा है इसका नीचे का माहौल। ये जो हमारे काल वाले बैग उठा के ले आए थे, तो फिर इसको ना ऐसे ही सोट दिया अंदर। अभी जो है सब चीजों की सेटिंग करनी है, यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है। ये देखे सारा कचरा ही कचरा पड़ा है, यहाँ पर देखे गंदा हुआ पड़ा है।
तो इसकी भी सफाई करते हैं और नाश्ता भी बनाते हैं। कल जो आए थे ना हम, तकरीबन साढ़े तीन बजे आप गए थे अपने घर, तो अहमद भाई ने नाश्ता बना लिया था, वो शाम का खाना। तो हम वहाँ से खाना खा के आके तब फिर चारपाई अपने निकाल के सो गए थे। अभी जो है हम अपनी खाने पीने का इंतज़ाम बनाएंगे, शुरू करेंगे, खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे जी। तो अभी चूल्हे की जो है सफाई हो चुकी है और साथ में पापे भी आ चुके हैं। पानी और सब बर्तन वगैरह धो के और साथ बैठा है ढोलू, चाय बनाए। बर्तन जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अभी जो है चाय बनाते हैं। और साथ बैठा है नूर मोहम्मद सई। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? एहसान क्या कर रहे हो, चाय पीनी है? चाय पीनी है? मक्खियाँ दौड़ाओ, मक्खियाँ दौड़ाओ। वो ऐसा दिखे, खुला दूध नहीं मिला तो मैरान ने ये दूध ले आया डब्बे वाला। तो अभी इसकी बनाते हैं चाय। चाय पका लिया अभी बेटा, बना रही हूँ। आपने चाय पीनी है? अभी जो है चाय बना रही हूँ, तो फिर आप पिए, ठीक है? कौन कौन पिएगा? पहले बोल थोला और नाना बोल और मलान और मैं और तुम और पापा और जनप और मम्मी एक चूल्हे के ऊपर रख दिया है। हाँ, चूल्हे के ऊपर देख की जो है रख दिया है। और साथ में ये देखें पत्ती भी डाल रही हूँ। अभी ना चीनी डालेंगे, जी। तो हमारी चाय जो है वो रेडी हो चुकी है और सब बच्चे जो हैं खा रहे हैं। सब बच्चे कौन हैं? बस थोड़े से बच्चे हैं, मेहरान और जैनब और बीबी डोलू। वो देखे मेरे कैमरे के ऊपर भी मक्खी आ गई। मक्खियों ने बड़ा जलील कर दिया है। और बीबी जो है उसने जो है कावा निकाला था, वो कहती है मैं डब्बे वाला दूध नहीं पीती। उसने कावा निकाला और पापे भी खाए, साथ में पी भी रही है। और मेहरान और जैनब जो है ये जो है, हाँ डिब्बे वाला खीर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है जैनब आपको? अच्छा लग रहा है। चलो, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो ये जो है मेरी प्याली यहाँ कहवे की है। बीबी और मैंने जो है कहवा निकाल लिया है, हमको वो डिब्बे वाला दूध जो है अच्छा नहीं लगता। हाँ जी बीबी, चाय पापा खा लिया? जोर से बोलो। हाँ। और कौन खा रहा है? और मलान और चना। बाकी कौन बचा है? बाकी ढोला। ढोला, चलो ठीक है। वो खेल रहा है, वो देखें हरकते कर रहा है। ढोला क्या कर रहे हो? खेला? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं टप्पा खा रहा हूँ। वो देखें किस चीज के ऊपर खड़ा है? पालती के ऊपर। तगारी के ऊपर? साथ में कहीं पड़ी है अलग। चाय दिखा लो। कौन सी चाय? ये वाली, ये है चाय। ये जी अम्मी ने आटा गूंद लिया है। आटा जो है गूंद लिया है और साथ में चाय और पापा बना के वो भी बच्चों को खिला दिया है। अब जो है रोटी बना रही हूँ। रोटी बना लें तो फिर कोई सालन वगैरह की सोचते हैं। तवा जो है ये मट्टी मट्टी वो पड़ा था और चूल्हा भी सब कुछ अभी धो के ना
साफ करके तो फिर ले आई हूँ रोटी बनाने के लिए। चुकी है तो पेड़े बनाना स्टार्ट है, तो तवा भी चल दिया है, हो गैस भी, और पेड़े बना के फिर रोटी ना देंगे। मैं जो अभी रोटी बनाने बैठी तो आपके नाना जान आ गए थे जी, तो उसके पास गई, उसको मिली, उसको सलाम दुआ करके तो फिर आ गई मैं रोटी बनाने। आप जाए उसको सलाम करें और अपने बहन भाइयों को भी मिलाएं जी। आपके नाना को बहुत ज्यादा मूंज आ गई थी तो तकरीबन 15-16 दिन वहाँ लगा के आए जी, तो उसको ना बड़ी परेशानी होती है, वो बीमार बंदा है ना जी, इसलिए उसने सोचा कि हमारे बच्चे आ गए तो सुबह सुबह आ गया हमारे पास मिलने के लिए जी। ये जी सुबह सुबह नाना आ चुका है। नाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक। तबीयत शबीयत? अल्लाह का करम। घर वाले सब ठीक ठाक है? आप ठीक। अच्छा जी, मिलने आए हो? हाँ जी। अच्छा जी, और सुना है? सब खैर। खैर, अल्लाह की मेहरबानी जी। ये जी दो रोटियां बन चुकी हैं, तो त्रीजी रोटी पक रही है, तो सेके के साथ रोटी बना लेना, भूख लगी है बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी रोटी बना ले तो फिर खाएंगे। क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत शबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इरफान की तबीयत कैसी है? आप जी वो अभी ठीक है, बहुत ज्यादा बुखार है, ठंड भी लगी है। आप ना ऐसा करो उसको जगाओ जी, और उसका नाश्ता करवाए और साथ में उसको अभी शरबत जो है वो खिला दो जी। तो थोड़ी देर तक वो जो है स्टोर खोल जाएंगे और मौजूद जाएगा, दवाई लेके आएगा जी, फिर जो है उसको खिला देना, अल्लाह का ख्याल करेगा इंशाल्लाह। ये जी अम्मी ने रोटी बना ली है, अब प्याज काटे जा रहे हैं। मिसाल है जो है मैं काट रही हूँ और पतीले में जो है पानी गर्म होने के लिए ये छोड़ दिया है, ये जब गर्म होगा तो ये जो है बड़ा गोश्त, इसको अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के ना तो फिर बनाएंगे। ये अभी पानी गर्म हो गया है, मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो बेटा, ये गर्म पानी है तो कैमरे का नुकसान आ जाता है। अभी गोश्त डालेंगे, इसका है ना गर्म पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, ये जो है ना ऊपर घी ये जमा हुआ है, बर्फ जमी हुई है, ये साफ हो जाएगा तो फिर जो है ना इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो फिर खाएंगे। ढोले को उठाती हूँ मैं, अभी जो है गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है, ये देखें साफ हो चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर और इसको बनाते हैं जी। रोटी बना ली है? हाँ रोटी बना ली है, अभी जो है सालन बना रही हूँ, तो ये देखें इसको धो के साफ करके लेके आ चुके हैं, अभी ये मसाले भी काट दिए हैं, पतीला भी चढ़ा दिया है, अब इसमें घी डालेंगे ठीक है। ये भी डाल दिया, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर मसाले डालेंगे ठीक है, आप भी बोला करें ना है। ठीक है चलो, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें ना मसाले, अम्मी मसाला डाल दिया है। हाँ मसाला मैंने डाल दिया है, तो इसको ही भुनाई कर लें, फिर नमक मिर्ची डालेंगे ठीक है। नमक मिर्ची डाल दिया? हाँ जी नमक मिर्ची में डाल दिए, यहाँ दिखाओ ना ये देखें, अब ना जब ये इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें गोश्त डालेंगे ठीक है। पानी डाली है? हाँ थोड़ा सा पानी डाला है, डाली है। हाँ अभी जो है ना इसमें गोश्त डालेंगे, ये वाला ठीक
क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको भूख लगी है? हाँ। कितना? ठीक। ठीक सारी। चलो ठीक है, अभी बना लो तो फिर खाएंगे। ठीक है, इधर दिखाना। जी पोटा पका लिया है। हाँ, अभी जो है ना इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। इसका शोरमा बन जाएगा तो फिर खाना खाएंगे। ठीक है, ये गरम हो गई है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खुश है, तबीयत सी है? ठीक है। तो मैंने कैमरा जो अभी संभाला है तो आपसे दुआ सलाम कर, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और अपने घरों में महफूज रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैडम जो है नाश्ते वगैरह जो है तैयार कर चुकी है। ये मैडम क्या बनाया हुआ है? बड़ा गोश्त कुर्बानी वाला। वाह जी वाह, क्या बात है तेरी। बहुत दिल कर रहा था ना मैंने सुबह। हाय वत दिल, हाय वत दिल। हाँ मेहरान, क्या हाल है तबीयत का? बिस्फाट है, नंबरदार हो जी, रोटी मिल गई है। बिस्मिल्लाह, त्रोड़ो जनाब, त्रोड़ो, खाओ पियो, मजा लाओ। और थोलो भी जो है साथ मिला हुआ है, इसको भी बोटी दे दो, कटोरी उसने उठाई हुई है, बोटी खानी है थोले ने। उधर जैनब भी बैठी हुई है। तो मैडम साहब जल्दी करें, हमें भी खाना दे दें। मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे तो आपने खाना मुझे देना है। ये लो मेहरान। तो ये मेहरान को भी खाना मिल गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह करो भाई, बिस्मिल्लाह। हाँ झम्बो झम्बो। तो इरफान जो है उसको रात का तेज बुखार है 105 पे, दवाई वगैरह खिला पिला रहे, अल्लाह करम करे, उनके लिए दुआ करनी है तो वो जल्द ठीक हो जाए, तो मार खाने के काबिल हो जाए। उसके बाद जो है जी दिल पे नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, मुझे पता है ना, अपना बच्चा है, टेंशन नहीं है। अच्छा, बस उसके लिए दुआ करनी है आप सबने, उसका बुखार जो है ख़त्म हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। सही, ठीक है। हाँ, कल का उसे बुखार है। कौन सर को फिर हर वक्त मैं डांटती रहती हूँ। हाँ, ये कौतर भी आ गई। खाना पीना दो और इसको दवाई टाइम पे दो। हाँ, हाँ। अभी अभी कहा है कि नाश्ता कर लो, क्या था? नहीं, मैं नहीं करना नाश्ता। नहीं करना नाश्ता, कर लो फिर दवाई वगैरह पीनी है, फिर दवाई इंजेक्शन मंगवा के, इंजेक्शन वगैरह लगवाने हैं, दवाई शवाई करनी है ना, इसलिए आपको ये दौर पर दौर उसको कहना पड़ेगा कि आपने जरूर खाना है, जबरदस्ती करना पड़ेगी। ठीक है जी। तो जी मेरे पास जो है खाना पहुँच चुका है, बोटियाँ भी हैं, रोटियाँ भी हैं, जिस किसी ने खाना है तो आके खा सकता है। साथ बिस्मिल्लाह जी आया हूँ, वेलकम वेलकम भाइयों। ये जो है हमारी दीवार गिर गई बारिश में, तो पक्की दीवार थी हालांकि, लेकिन जो है ऐरा पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से जो ईंटें गिर गई हैं आप देख सकते हैं कि ईंटें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ईंटें मौजूद हैं लेकिन जो आगे वाला काम है वो नहीं, जैसा कि पहले भी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगवाई थी उसकी वजह से ये गिर गई है। अब हम सोच रहे हैं कि इसको ना सीमेंट से बनवाएं, बारिशों के मौसम है और रेतड़ा इलाका है और 9 इंची दीवार है, तो साफ जा रही है, सीमेंट से भी बनेगी। तो इसकी ना मिस्त्री मजदूरी भी लेंगे और इसकी रेत भी कटवानी है और सीमेंट भी मंगवानी है। देखते हैं अल्लाह पाक, अल्लाह पाक करम करेगा, कोई तो भाई बहन की तरफ दिखाएगा इंशाल्लाह। परेशानी बनी हुई है, फिर पर्दा जो है हमारा टूट गया है, बहुत मेहनत से ये बनवाया था, कभी किसी को किसी से मांगा, कभी किसी से मांगा, मसलन जैसे कि अहमद भाई हो गया, असलम खान भी लोग वाले हो गए, अकरम खान भी लोग हो गया, सब लोग उसे इकट्ठा करके फिर ये चार दीवारी बनवाई थी। तो हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो हम बना सकें, फिर भी अभी भाइयों से पता करते हैं, जो भी भाई हेल्प करेगा तो ये चार दीवारी दे सकें। तो अकरम भी आया था ना, वो अकरम क्या जवाब देगी? अकरम ने भी जवाब दे दिया, आप बचाया अहमद, उसका भी काम हो रहा है काफ़ी दिनों से, उसका भी बहुत खर्चा हो रहा है,
उनसे जाके पता करते हैं कि गुंजाइश है कि नहीं है।